हाँ, मैंने विधायक जी का अभिवादन किया। इससे पहले मैं कुछ कहता वो मुझे जूतों से मारने लगे। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त गुंडागर्दी होती है, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है तो उसे राजनीतिक मुद्दा बताते हैं। लेकिन अब तो फिरोजाबाद की जनता भी बीजेपी के शुकाबाद विधानसभा के विधायक पर गुंडई का आरोप लगा रही है। दरअसल पूरा मामला चंदवार क्षेत्र का है, जहाँ जैन समाज की काफी जगह पड़ी हुई है, जिसकी जैन समाज की एक पूरी कमेटी भी ही बनी हुई है। कमेटी के एक सदस्य पंकज जैन का आरोप है कि शुकाबाद विधानसभा के बीजेपी के विधायक मुकेश वर्मा और भूमाफिया तालीराम मिलकर गुंडई के दम पर उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जब मैंने इसका विरोध किया तो विधायक मुकेश वर्मा ने मुझे कुछ लोगों द्वारा भूमाफिया तालीराम के घर बुलाया और फिर विधायक ने मेरे साथ जूतों से मारपीट की और वहां मौजूद लोगों से भी पिटवाया और मेरे ऊपर छेड़खानी का फर्जी मुकदमा भी लिखवा दिया। मैंने ये सारी बात अपने समाज के लोगों को और कमेटी को बताई और आज प्रेस वार्ता कर मीडिया को भी बता रहा हूं। वहीं कमेटी के अन्य सदस्य भी यह कहना है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विधायक दबंगई करेंगे तो इस सरकार पर कैसे भरोसा किया जाएगा। कमेटी के सदस्यों ने अधिकारियों से निवेदन किया वह इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करें। पंकज जैन, ऐसा था अगस्त माह में जो है स्टेडियम की स्कीम आई थी राम चंद्रवार में, जिसके लिए जैन मंदिर की जो पार्किंग 1 बीघा जमीन में लगभग बनी है, जिसमें 1 लाख ईंटों का खड़ंजा भी लगा है, उस पर जो है विधायक द्वारा जो है JCB चलवाने की जो है कोशिश की गई अगस्त माह में। कौन विधायक? विधायक शुकाबाद विधायक मुकेश वर्मा के द्वारा, जिसे मैंने कमेटी के माध्यम से चौकी इंचार्ज व लेखपाल के माध्यम से रुकवाने की कोशिश की थी। बैनामा सदा जगह थी वो, उसी की खुन्नस में भी 5/12/2021 को 8-10 लोगों के माध्यम से मुझे बहाने से बुलवाया गया भूमाफिया तालीराम के आवास पर और वहाँ मैंने विधायक जी का अभिवादन किया। इससे पहले मैं कुछ कहता वो मुझे जूतों से मारने लगे, बोले तो गांव के लोगों से जो है पैसे लेता है पानी के, माँ बहन की गालियाँ देता है, औरतों को ज़बरदस्ती मेरी ओर धकेलते हुए बोले ऐसे चप्पल जूतों से मारो। विधायक जी, उनके साथ 5 गाड़ियाँ थीं, 25-30 अज्ञात लोग थे जिन्हें मैं नहीं जानता और सभी मौजूद थे, ग्राम प्रधान BDC मेंबर सभी लोग मौजूद थे। सभी लोगों की मौजूदगी में जब मेरी बेइज्जती करते गए तो मैंने किसी तरह भाग के वहाँ से जान बचाई। फिर मैंने कमेटी पदाधिकारियों को सूचित किया, फिर शाम के टाइम में फिरोजाबाद चला आया। फिरोजाबाद आने पता चला कि किसी लड़की के माध्यम से मुझ पर छेड़खानी का मुकदमा लगवा दिया है। यहाँ हम लोगों का इकट्ठा होने का मकसद है कि हमारी जो जैन पुजारीगण हैं जो चंदवाड़ मंदिर पे लगभग 20 वर्ष से रह रहे हैं, उनके ऊपर शुकाबाद विधायक मुकेश वर्मा जी एवं अन्य कुछ भूमाफिया जो वहाँ रहते हैं उनके द्वारा एक लिखित तहरीर थाना चंदवाड़ में दी गई है और इनके ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं कि ये कहीं वहाँ जा करके बच्चों को या बच्चियों को छेड़ते हैं या अपशब्द का प्रयोग करते हैं। इन वहाँ जा करके इनको बुलाया गया और वहाँ जूतों से चप्पलों से मारा गया और ये धमकी दी गई कि तू यहाँ से भाग जा नहीं तो तुझे जो है जान से मार देंगे। और वहाँ सब समाज के सामने जो उनकी समाज रहती है उनके सामने ये कहा गया कि पूरी जैन समाज की जितनी ज़मीन है उस पर कब्जा करना। इस तरीके का वक्तव्य एक प्रतिनिधि द्वारा विधायक मुकेश वर्मा जी द्वारा स्वयं दिया गया है और इस तरीके का कथन उनके द्वारा एक अनुचित बयान है। इस तरीके का बयान देना गलत है, इसके लिए हम पूरी प्रशासन से एवं शासन से न्यायोचित कार्रवाई चाहते हैं।